तो अगर आप सभी लोग भी अपने मतलब कोई पबजी हुआ या सीओडी हुआ, ये सब आप सभी लोग भी अपने स्मार्टफोन में ही जो कि लो एंड प्रोसेसर के साथ आता है, लो एंड स्मार्टफोन है, अगर आप लोग भी फुल FPS पे खेलना चाहते हैं तो बहुत सही वीडियो में है। यहाँ पे मैं कुछ ऐसी सेटिंग्स बताने वाला जो कि आप सभी लोग को यूट्यूब पे पूरे कोई नहीं बताने वाला। ये नहीं कहूँगा स्टोरेज खाली करना है, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि 3 ट्रिक्स रहेंगे, तो उसको आप सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आप सब लोग अपने स्मार्टफोन में GPU रेंडरिंग को भी यो मतलब ऑन कर सकते हैं, जिससे आप सब लोग का CPU पे जो पावर पड़ता है वो यहाँ पे थोड़ा कम कर देगा, जिससे कि आपकी जो गेम है वो काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप सब लोग का सेटिंग में जाना होगा, डेवलपर ऑप्शन में जाना होगा और वहीं पर आप सब लोग का सर्च करना होगा फोर्स GPU रेंडरिंग, जो कि आप सब लोग थोड़ा सर्च करना होगा क्योंकि अलग अलग फ़ोन में अलग अलग जगह पर होती, कहीं आप सब लोग को ऊपर मिल जाएगी, थोड़ा नीचे मिल जाएगी। अगर आप सब लोग जाना है तो आप सब लोग सिंपली से गूगल कर सकते हैं, अपने मॉडल का नंबर डाल दीजिए कौन सी कंपनी का, उसमें कह सकते हैं हाउ टू इनेबल मतलब GPU रेंडरिंग ऑन दिस स्मार्टफोन, तो ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड टिप्स आती है वो ये है कि जैसे कि आप सब लोग देखते होंगे कि कुछ रिसेंट ऐप्स भी अगर आप सब लोग कोई भी ऐप्स हटा देते हैं तो उसके बाद भी कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि आप सब लोग का बैकग्राउंड में भी रन करती रहती है, जिससे आप सब लोग का CPU भी यूज़ होता रहता है, बस पता नहीं लगेगा आप सब लोग को। लेकिन उसके लिए आप सब लोग का क्या करना होगा, अगर आप सब लोग गेम खेलना चाहते हैं तो जस्ट आप सब लोग अपना सेटिंग ऑन करिए, उसके बाद वहाँ पर सर्च करिए बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इसको भी आप सब लोग कम कर सकते हैं, जो कि आप सब लोग कितनी ऐप्स, मैं तो आप सब लोग का रिकमेंड करूँगा कि आप सब लोग को 2 ऐप्स को ही सिर्फ यहाँ पर लिमिट दीजिए, जिससे कि आप सब लोग को जब आप सब लोग कोई गेम खेलें तो वही चलेगा, जिससे कि ज़्यादा CPU पे GPU पे ज़्यादातर कि आप सब लोग का काफ़ी हद तक जो कि स्मूथ चलने लगेगा। तो ये भी आप सब लोग ट्राई कर सकते हैं जो कि काफ़ी सही रहेगा। अगर आप सब लोग को जानना है कैसे करना है तो अगर सेटिंग सर्च करने के बाद नहीं आता तो आप सब लोग सिंपली से गूगल कर सकते हैं। ये है आप सब लोग का टिप नंबर 3। तो आप सब लोग के स्मार्टफोन में कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जिसको आप सब लोग अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, लेकिन वो आप सब लोग का काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज और काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग पे आप सब लोग का लेता है। तो मैं सिंपली मैं क्या कहूँगा कि आप सब लोग सेटिंग में जाइए, आप सब लोग जितने भी एप्लीकेशन है सबको डिसेबल कर सकते हैं, तो जस्ट आप सब लोग को डिसेबल करिए और फ्री आप सब लोग का फ़ोन आप सब लोग का आप काफ़ी हद तक जो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, काफ़ी हद तक आप सब लोग का सही हो जाएगा। अगर आप सब लोग को थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो भाई अपने आप टीममेट्स को भी ये पबजी के सेंड करिए, वो लोग भी यूज़ करें, और बस अगर आप सब लोग थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो जरूर लाइक एंड शेयर करिएगा, और भी ऐसे कुछ देखना हो तो शेयर सब्सक्राइब कर दिए चैनल। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट।